का जर्नी रहा है। नहीं, हैदराबाद को लेकर के कई लोगों में काफ़ी मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं कि कैसे हैदराबाद की ये जर्नी रही है आज तक, और कैसे एक पुराने प्रिंसली स्टेट से लेकर जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है एक हाईटेक सिटी और हाईटेक क्लस्टर के ऊपर, तो उसमें कई तरह के लोगों के बारे में जानकारी कमी है। तो उन सबको दूर करने के लिए जो मिथ्स हैं जिसके बारे में हम बहुत सी चीज़ें सुनते आते हैं लेकिन कुछ उसमें सही होती कुछ नहीं होती, तो उन सबको एक हिस्टोरिकल जो आर्काइवल रिकॉर्ड्स होते हैं उनको देखकर और लोगों से बात करके इस तरह से मैंने एक स्टोरी जो लिखी है कि 100 साल में कैसे एक पुराने शहर से और ये जो जर्नी रही है कैसे हाईटेक तक का ये सफ़र इस शहर ने किया है उसको लेकर के किताब है। और उसमें कौन से इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व थे, कौन से लोग इन्वॉल्व थे और क्या क्या उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स रहे। ऐसा नहीं कि जर्नी एक स्मूथ सी रही है, उसमें कई चीज़ें आई हैं, कुछ पॉलिटिक्स हुआ है, कुछ पॉलिसीज चेंज हुए, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स है, तो बहुत सी बातें हैं, तो इन सबको मिला करके एक मैंने ये किताब लिखी। हैदराबाद मॉडर्न किस दौर में हुआ? नहीं, मॉडर्निटी अगर आप देखें तो लगभग 100 साल के पहले, मतलब 1908 की जो फ्लड आई थी तब से एक नए मॉडर्न आइडियाज़ यहाँ पे आने शुरू हुए। जैसे टाउन प्लानिंग हुआ एक नई बात थी, जो उसके पहले कोई टाउन प्लानिंग हमारे यहाँ नहीं थी, और कई जो नए प्रोजेक्ट बड़े बड़े बनने लगे और इंस्टीट्यूशंस की जो शुरुआत हुई, जो मॉडर्न हैदराबाद जो हम देख रहे हैं उसका फाउंडेशन के पीछे जो इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे इंडस्ट्रियल लैब हुआ, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हुई और जो और भी जो इंस्टीट्यूशंस थे, टेक्निकल एजुकेशन के थे, उस्मानिया मेडिकल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज से भी बहुत पुराना था, लेकिन जो नए इंस्टीट्यूशंस बने जो मॉडर्न हैदराबाद की शुरुआत फाउंडेशंस हुई, तो लगभग हम कह सकते हैं कि 100 साल पहले शुरुआत हुई थी। और उसके बाद उनमें लगातार इजाफा होता रहा, नई नई चीज़ें आती रही, नए नए इंस्टीट्यूशन बनते रहे, तो एक पूरी जर्नी रही है। हाँ, शुरुआत हम कह सकते हैं कि 1908 की फ्लड के बाद जो एक नए आइडियाज़ आए टाउन प्लानिंग के, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के, वहाँ से हम कह सकते हैं कि जो मॉडर्न हैदराबाद है उसकी फाउंडेशन वहाँ पर पड़ी थी। सर, किताब बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हैदराबाद के बाहर के लोगों के बारे में, लोगों की जब भी हम हैदराबाद की बात करते हैं तो पहले बोलते थे कि गोलकुंडा और चार मीनार दो बड़ी चीज़ें थी, कुछ बोलते कि पर्ल्स थे, लेकिन फिलहाल 30-40 साल में और पिछले 20 साल में मैं कह सकता हूँ कि हैदराबाद की पहचान बिरयानी वाले शहर के रूप में होने लगी, क्योंकि जो यहाँ पे पैराडाइज था या दूसरे चेन्स आने लगे तो एक पैन इंडियन डिश के रूप में हैदराबादी बिरयानी उभर कर आई है। तो मेरा एक कनेक्ट इसमें ये मैं कहना चाह रहा था कि हैदराबाद बिरयानी के अलावा भी बहुत कुछ है, इसलिए वो कनेक्शन के लिए बियॉन्ड बिरयानी इसका नाम दिया गया। थैंक यू।